ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों जब हम अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो उससे पहले कई सवाल हमारे मन में आते हैं कि घर में कितना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग पर नाग होना चाहिए या नहीं, शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में। बहुत से लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, घर में शिवलिंग से पहले शिव पुराण में वर्णित नियमों को जानना जरूरी है। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। घर के मंदिर में शिवलिंग रखना ग्रस्त लोगों को मना किया जाता है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की स्थापना यदि घर में की जाए तो उसके कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, तभी घर में शिवलिंग रखना चाहिए। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण आप भगवान शिव के क्रोध के भागीदार बन सकते हैं। तो शिव पुराण में शिवलिंग पूजा के नियम बताए गए हैं। यदि नियमित रूप से और विधिवत रूप से शिवलिंग की पूजा की जाए तो भगवान शिव बेहद ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपके घर में भी शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो इसमें पूजा से जुड़े और स्थापना से जुड़े नियमों का पालन आपको करना होगा, वरना शिवलिंग की पूजा स्वीकार नहीं होती और शिव का क्रोध भी झेलना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं घर में शिवलिंग रखने के क्या क्या नियम बताए गए हैं, घर में शिवलिंग रखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा कीजिए, शिवलिंग का पंचम रस अभिषेक कीजिए, इसके बाद आप शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। शिवलिंग घर में कभी भी बड़े आकार का नहीं रखना चाहिए। बड़े आकार के शिवलिंग की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, जो कि मंदिरों में होती है। घर में हमेशा छोटे से छोटा शिवलिंग रखें, मात्र एक अंगूठे के आकार का। जितना बड़ा अंगूठे का पोरवा होता है या धरती से अंगूठे को लगाकर नापिए, जितनी अंगूठे की लंबाई होती है केवल इतना बड़ा शिवलिंग आपको घर में रखना है। घर में कभी भी बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी शिवलिंग या जितनी बड़ी मूर्ति आप घर में रखेंगे उसकी व्यवस्था उतनी ही ज़्यादा आपको करनी पड़ती है। घर में यदि किसी भगवान की भी मूर्ति रख रहे हैं तो हमेशा छोटी से छोटी मूर्ति घर में रखिए। घर में कभी भी शिवलिंग एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि आपके घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। किसी पंडित से सलाह लेकर उन्हें किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दीजिए, किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी मंदिर में आप उनको रख सकते हैं। शिवलिंग जहाँ पर है वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी शुद्ध पात्र में जल भरकर शिवलिंग को पूजा के स्थान में रखें। शिवलिंग को भूलकर भी गमले में ना रखें, क्योंकि शिवलिंग को गमले में रखने से मना किया जाता है। और घर में शिवलिंग को सूखा नहीं रखना चाहिए। एक पात्र में या तो आप जो तांबे का स्टैंड आता है शिवलिंग का, उसमें आप शिवलिंग को रखिए। अगर आप उसको भी नहीं रख सकते हैं तो कोई तांबे की या पीतल की कटोरी लेकर के उसमें जल भर करके उसमें शिवलिंग को रखिए, क्योंकि शिवलिंग से जो ऊर्जा निकलती है वो घर की महिलाओं पर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसके कारण घर की महिलाओं को तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, चिंता, ऐसी ऐसी बीमारियां इन औरत को लग जाती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं घर में टाइम स्पेंड करती हैं और शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा। तो इसीलिए कभी भी शिवलिंग को घर में सूखा नहीं रखा जाता है। इसलिए शिवलिंग पर आपने देखा होगा कि मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर जल घड़ी बंधी होती है, जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। वो इसीलिए क्योंकि शिवलिंग से जो ऊर्जा निकलती है उसको शांत करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहना चाहिए। तो घर में शिवलिंग को कभी भी सूखा ना रखें। साथ ही यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के साथ शिव परिवार की मूर्ति जरूर रखें। कर्म कांडों का कहना है, यदि घर में किसी धातु का शिवलिंग है, सोने चांदी या तांबे का शिवलिंग है, तो उस पर धातु का नाग भी लिपटा हुआ होना चाहिए। घर में नर्मदा नदी से बना हुआ पत्थर का शिवलिंग बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप अपने घर में पारद का शिवलिंग भी रख सकते हैं। पारद का शिवलिंग भी घर में शुभ माना जाता है। जिस स्थान पर शिवलिंग रखा जाए शिव परिवार की फोटो जरूर लगाएं। भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती और शिव, ये परिवार साथ में जरूर होना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला न रखें। शिवजी की कोई भी तस्वीर हो, भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि शिवजी पर भूलकर भी तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग को हमेशा चंदन से उनका तिलक किया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भी कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही समय, सही नियम से यदि आप जल चढ़ाएंगे तो इससे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 5 बजे का माना जाता है। वैसे तो आप जल किसी भी समय चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यदि सही समय पर पूजा की जाए तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का समय सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का है। वही शाम के वक्त शिवलिंग पर भूलकर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना हमें पूजा का फल नहीं मिलता और भगवान शिव के क्रोध का हमें भागीदार बनना पड़ता है। साथ ही जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो जल की समय कुछ भी सामग्री ना मिलाएं। जल हमेशा
खाली चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग जल में फूल अर्पित करते हैं या बेलपत्र अर्पित करते हैं। देखो, बेलपत्र जब आप अर्पित करते हो तो उसमें जल होना चाहिए, बेलपत्र कभी भी सूखी नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो खाली जल चढ़ाना चाहिए, ना तो उसमें मीठा डालना चाहिए, ना ही उसमें दूध अर्पित करना चाहिए। दूध आप अर्पित करते हैं तो स्टील के पात्र से चढ़ाएं, और जल चढ़ाते हैं तो उससे तांबे के लोटे से अर्पित करें। शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब आप शिव जी पर जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल अर्पित किया जाता है। चाहे शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, आपका हाथ नहीं भी जा रहा है, आधे शिवलिंग पर आपका हाथ जा रहा है, तब भी आपको शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के जहाँ से शिवलिंग पर जल निकलता है, इसके दो भाग, एक पर होता है भगवान गणेश और एक पर कार्तिकेय। तो सबसे पहले शिवलिंग के दाएं भाग पर जहाँ पर भगवान गणेश का वास होता है उस पर जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद कार्तिकेय का स्थान होता है और तीसरा स्थान जहाँ से जल निकलता है अशोक सुंदरी का स्थान, उस पर जल अर्पित करना चाहिए। और चौथा बार शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना चाहिए। पाँचवा जल आपको जलहरी, जो शिवलिंग के ऊपर मंदिरों में टंगी होती है, उसमें जल अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद सबसे बाद में जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर की चौखट के दोनों ओर भगवान शिव के द्वारपाल होते हैं, वहां पर जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ये जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर कभी भूलकर भी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध हमेशा स्टील के पात्र से चढ़ाए। भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव भोले हैं और मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। लेकिन छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव उतनी जल्दी नाराज होते हैं। जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करता है, उनका व्रत करता है, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। जिन कन्याओं को अच्छे व्रत की चाहत है, सॉरी अच्छे वर की चाहत है, और जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखना चाहती हैं, उन्हें सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। यूं तो भगवान शिव की भक्ति आप किसी भी समय कर सकते हैं, भगवान शिव का नाम आप किसी भी समय जप सकते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में छोटी छोटी सी बातों का जरूर ध्यान रखें। शिवलिंग घर में ला रहे हैं तो शिवलिंग को सूखा ना रखें। शिवलिंग घर में स्थापना कर रहे हैं तो छोटे से छोटा शिवलिंग स्थापित कीजिए, बड़ा शिवलिंग भूलकर भी घर में ना रखें। शिवलिंग को सूखा ना रखें और शिवलिंग को खास करके गमले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गमले में हम साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान नहीं रख पाते। और जब बात देवों के देव महादेव की हो तो हमें अपनी भक्ति के लिए, उनकी पूजा के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गमले के पास कोई लोग झूठा पानी फेंक सकते हैं, झाड़ू फेंक सकते हैं, जूते चप्पल निकाल सकते हैं, तो प्रॉपरली वहां पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान नहीं रखा जाता। इसीलिए शिवलिंग को गमले में रखने से मना किया जाता है। और शिवलिंग के ऊपर जो जलधारा की व्यवस्था होती है वो घरों में नहीं हो पाती, इसीलिए शिवलिंग को घर में रखने से मना किया जाता है। यदि आप विधिवत रूप से नियम से शिवलिंग की पूजा घर में कर सकते हैं तो शिवलिंग को आप अपने घर में जरूर रखिए, वरना आप शिवलिंग को मंदिर में रखिए। और दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें शिवलिंग से जुड़ी अपने घर में स्थापना करने से पहले जरूर आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।